तो गजब का स्वागत है नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में तीन काफी ज्यादा बड़े अपडेट्स आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे ईस्ट बंगाल के बारे में। सो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर था कि नावड़े महेश सिंह मुंबई या फिर मोहन बगान सुपर जायंट्स में जा सकते, क्योंकि लाइक यू नो एक ऑफर था इनके पास। एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने इनके एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया था कि शायद विंटर ट्रांसफर विंडो में हो सकता है कि नावड़े महेश सिंह का साइनिंग कम्प्लीट किया जाए। लेकिन उसके बाद रिपोर्ट आया कि नहीं, इस सीजन में नावड़े महेश सिंह का जो साइनिंग है वो मोहन बगान नहीं करने वाले, ना ही मुंबई उतना इंटरेस्ट दिखा रहे। सो यहाँ पे एकदम ऑफिशियल ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन आ चुका है कि नावड़े महेश सिंह के साथ ईस्ट बंगाल ने 2027 तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करवा लिया, जो कि ईस्ट बंगाल के लिए एकदम मास्टर क्लास प्लान में बोलूंगा एंड बहुत ही ज्यादा एक क्लासी मूव, क्योंकि अब ईस्ट बंगाल काफी सिक्योर्ड पोजीशन में है। अभी अगर नावड़े महेश सिंह का साइनिंग किसी को भी कंप्लीट करना है तो उनको ट्रांसफर फी देना होगा, तो ईस्ट बंगाल काफी सेफ साइड में आ चुका है। एंड लेफ्ट विंग पोजीशन के प्लेयर है सिर्फ 24 एज, इनका नेक्स्ट लेवल फॉर्म में है। लास्ट सीजन उनका गेम बहुत अच्छा था, अभी इंटरनेशनल टीम का होके भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आज के मैच में वो डेफिनेटली खेलने वाले एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो देखते हैं कि आने वाले सीजन में नावड़े महेश सिंह का परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल में कैसा रहता है एंड कितना ज्यादा वो वाइटल रोल प्ले करेंगे ईस्ट बंगाल के अटैक में। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा अभी मार्केट में एक अच्छा टॉप सेकेंड पोजीशन का गोलकीपर ढूंढ रहा है, मतलब एक बैकअप गोलकीपर वो ढूंढ रहा है क्योंकि उनको एक चाहिए अच्छा बैकअप गोलकीपर। तो ऑलरेडी लाइक उन्होंने अगर हम लोग देख ले तो नोरा फर्नांडिस को शॉर्टलिस्ट किया है एंड इसी लिस्ट में लारा शर्मा का भी नाम है एंड लारा शर्मा के ऊपर केरला ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। सो गोवा का भी प्लानिंग मैं बोलूंगा काफी सही चल रहा है कि वो ऐसे बैकअप जो चीजें हैं उनके लिए भी प्रॉपर वे में प्लान कर रहे हैं एंड उनके लिए भी प्रॉपर वे में वो लोग जा रहे हैं। सो ये चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा क्योंकि ऐसे प्लानिंग करना काफी वाइटल हो जाता है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, क्योंकि सेकंड गोलकीपर भी इंपॉर्टेंट दिखाता है कि अगर सेकंड गोलकीपर के लिए गोवा इतना अच्छा प्लान करे तो बाकी पोजीशन के प्लेयर्स के लिए भी गोवा काफी ज्यादा हाईली वे में प्रिपेयर करे कि बैकअप रेडी रहना चाहिए। लारा शर्मा भी काफी अच्छे गोलकीपर, उनके ऊपर केरला ने भी इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन गोवा भी अच्छे खासे पोजीशन में है एंड साइनिंग डेफिनेटली वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इस साइनिंग को लेकर आप लोग क्या थॉट्स है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट यूजर हमारे चेन्नई एफसी की तरफ से। चेन्नई एफसी ने कॉन्टैक्ट किया है पीटर हार्टली के साथ, तो कोई डील साइनिंग कुछ नहीं, बात एकदम चल रहा है बेसिक स्टेजेस में। एंड पीटर हार्टली लाइक सी बहुत एक्सपीरियंस डिफेंडर है, इंडिया में खेलने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी सॉलिड डिफेंसिव पोजीशन के प्लेयर है एंड सेंट्रल बैक में इनका रोल काफी वाइटल होगा अगर वो चेन्नई में आते हैं तो। एंड चेन्नई में उनका आने का चांस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि चेन्नई में अभी ओएन कॉयल है एंड ओएन कॉयल के साथ पीटर हार्टली का रिलेशन बहुत अच्छा है। ऑल्दो लास्ट सीजन पीटर हार्टली लाइक वो लीग टू में चले गए थे, मतलब इंग्लैंड का जो टेक्निकली फोर्थ डिविजन होता है उसमें हार्टली पूल में थे एंड वो लाइक उस क्लब को छोड़ने भी वाले, तो डेफिनेटली वो नए क्लब में जाएंगे एंड चेन्नई उनके लिए काफी परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इंडिया में वापस आएंगे और उसी के साथ साथ वो भी ओएन कॉयल के अंडर, तो हर एक चीज एकदम काफी सही वे में जा रहा है। सो देखते हैं कि क्या हम लोग फिर से पीटर हार्टली को इंडिया में देख पाएंगे एंड क्या वो चेन्नई ज्वाइन होने वाले नहीं। सो देखते हैं कि क्या फाइनली वो लोग चेन्नई में आते या नहीं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। एंड मिल दो के साथ, तब तक लिए बाय।